और वही देखिए, हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में बड़ा खुलासा हुआ है। आरपीएससी ने अपने स्तर पर पकड़ी है बड़ी गड़बड़ी। स्कूल लेक्चरर हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें परीक्षा में कमला कुमारी ने 7 नंबर की मैरिट हासिल की थी, वहीं ब्रह्मा कुमारी को हासिल हुई थी 36 नंबर की मैरिट। दोनों ने एमए की फर्जी डिग्री प्रस्तुत कर नियुक्ति हासिल की थी। आरपीएससी ने संबंध में पत्र भेज दिया है। अजमेर सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र भेजा गया है और उसके बाद एसओजी ने कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। आने वाले दिनों में आरपीएससी के स्तर पर हो सकते हैं ऐसे कुछ और बड़े खुलासे। ये परीक्षा है स्कूल लेक्चरर हिंदी 2022, और इसका एग्जाम हुआ था 15 अक्टूबर 2022 को, और इसके अंतर्गत 2 कैंडिडेट कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी, इनकी डिग्रियां जो है एमए की वो फर्जी पाई गई है। इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी हिंदी में एमए और बीएड होना चाहिए। इन लोगों ने, दोनों ने पीजी की डिग्री मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरा चित्तौड़ से जारी करना बताया। उसका हमने, आयोग ने पत्र लिख करके वहाँ से सत्यापन किया और हमारा जांच टीम भी वहाँ गई आयोग की, और वहाँ वो डिग्रियाँ उनकी असत्य पाई गई। हमारे पास एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी इन दोनों कैंडिडेट्स के संबंध में कि इनकी डिग्रियाँ फर्जी है और इसे इनके ढंग से जाँच की जाए, तो उसके सदरेंस में हमने ये। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, खुलासा कैसे हुआ इस घपले का? देखिए, आरपीएससी इस मसले को काफी दिनों से वॉच कर रही थी, क्योंकि उनको इस तरीके की सूचना मिली थी कि ये जो स्कूल लेक्चरर हिंदी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 है, इसमें कुछ लोगों ने गड़बड़ की है, फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। और अभी क्योंकि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सीजन चल रहा है फर्जीवाड़े को पकड़ने का, जिस तरीके से एसओजी रोज नए खुलासे कर रही है, तो उसमें आरपीएससी ने भी पहल की है और आगे बढ़कर उन्होंने अपने स्तर पर पता लगाया कि एक तो कमला कुमारी जिनकी 7 नंबर की मेरिट थी और एक ब्रह्मा कुमारी जो 36 नंबर की मेरिट थी, इन दोनों ने एमए की फर्जी डिग्री पेश करके नियुक्ति हासिल की। और जब ये पूरा कन्फर्म हो गया आरपीएससी को अपनी इंटरनल जांच में, उसके बाद उन्होंने संबंध में जो अजमेर का सिविल लाइन्स थाना है वहाँ एफआईआर के लिए पत्र भेजा, एफआईआर दर्ज हुई और उसके आधार पर एसओजी ने इस केस को अपने हाथ में लिया और दोनों जो अभ्यर्थी थी जो चीटिंग करके यानी कि फर्जी दस्तावेज करके जिन्होंने नियुक्ति पाई, कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी, उनको एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि आरपीएससी इस तरीके के खुलासे आने वाले दिनों में और कर सकती है। वो और भी कई परीक्षाओं की जिनमें नियुक्ति हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं, उनकी माइक्रो मॉनिटरिंग कर रही है, अलग अलग स्तरों पर चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसे और लोग तो नहीं है जिन्होंने फर्जी दस्तावेज देकर नियुक्ति हासिल की हो। तो ये कह सकते हैं कि जो फर्जी वाला करने वाले अभ्यर्थी हैं उन पर चौतरफा वार हो रहा है। एसओजी भी कार्रवाई कर रही है, आरपीएससी ने भी अब पहल की है और ये कोशिश सिर्फ इसलिए कि जो गड़बड़ी है, चीटिंग है, वो रुके और जो योग्य और जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको मौका मिले और सेवा में आए। बिल्कुल शिवेंद्र, और जल्द ही खुलासा हो जाएगा कि और वो कौन से नाम हैं जो कि इसमें शामिल थे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र तमाम जानकारी के लिए।